कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो आपके शरीर में है। जितनी भी ब्रह्मांड में वो शक्तियां हैं वो आपके शरीर में समाई हुई हैं, लेकिन सही बात यह कि हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उनको जान नहीं पाते कि हकीकत में ये वाकई में है ऐसा। अगर ऐसा नहीं है तो चलिए एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, उस कहानी से आप पहचान पाएंगे कि वाकई में कुछ ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर भी हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार घुड़दौड़ हुई, घुड़दौड़ जानते हैं ना, घोड़ों की दौड़, और उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया कि जितने भी ओर पास क्षेत्र के हर एक गांव से एक घोड़ा आएगा और उसमें घुड़दौड़ में भाग लेगा। खुशी की बात तो बहुत अच्छी खासी थी कि सभी को ये समझ में आया कि चलो घुड़दौड़ में हमारा एक घोड़ा जो है वो उसमें भाग लेगा। लेकिन बात ये थी कि एक गांव में घोड़े थे ही नहीं, सिर्फ गधे ही गधे थे। ये बहुत दिक्कत वाली बात थी, और वहां से अगर एक भी घोड़ा नहीं जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या की भी बात थी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि चलो इस गधों में से सबसे बढ़िया गधा कौन सा है, उस गधे को छांटा जाए। उन गधों में से एक बढ़िया से गधे को छांटा गया और ले जाया गया। शर्म तो थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन ले गए, उस घोड़दौड़ में हिस्सा बनाया उस गधे के लिए। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर बुजुर्ग कोई भी ज्ञान देता है तो कहता अरे ये ज्ञान मत बांटो हमारे लिए, समझ में नहीं आता आपका ज्ञान, बहुत बुरा लगता है ना उनका वो ज्ञान। आज वो ज्ञान आपको हकीकत में समझ में आएगा कि अगर वो बताते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है। क्या किया गया, घोड़े लाइन से थे और उनमें बीच में एक खच्चर, वो क्या बोलते हैं, गधा भी था। तो बुजुर्ग ने क्या किया कि उस गधे की पूंछ में क्या किया, एक कपड़ा लपेटा और लपेट कर उसको पेट्रोल से भिगो दिया, और पेट्रोल से भिगो के उस पूंछ में लगा दी आग, जैसे 1 2 3 हुआ, और फिर घोड़ों की घुड़दौड़, बक 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 भाग भाग भागते हुए चले गए। और सबसे आगे बताओ कौन था, बताओ 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 बताओ, गधा। बिल्कुल सही बता रहे हो, सबसे आगे गधा था और घोड़े जो है वो पीछे रह गए। अब इसमें बात ये निकल के आती है कि जो ताकत है ना वो गधे में भी थी, लेकिन गधे को कभी ये पता नहीं था कि मैं घोड़ों को भी हरा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके आप गधे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर वो ताकत होती है और हम उसको पहचान नहीं पाते। और आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। भाई मैंने देखा है कि मैंने इतनी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्या पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। इतनी रद्दी से रद्दी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको लोग शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और पता नहीं क्या पसंद करता है आज का जो युवा है, वो क्या पसंद कर रहा है मेरे को नहीं पता चल पा रहा है। आप वो मसाला पसंद करते हैं, शायद आप भूल जाते हैं कि वो मसाला आपको किस तरफ ले जा रहा है। ऐसा मसाला मत खाइए जो कि आपको सब खाने के साथ जो आपको मॉर्निंग में दिक्कत करे, समझ में आई ना बात। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।